जय भीम साथियों, मुनमुन दत्ता, युविका चौधरी, सलमान खान, शिल्पा शेट्टी, युवराज सिंह, इन सब बड़े प्रख्यात सेलिब्रिटीज़ में सामान्य बात क्या है? इन सभी ने पब्लिक में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, इन सब पर FIR भी हुई। वो ऐसे हुई कि बहुजन समाज के प्रोटेस्ट के बाद, आंदोलन के बाद, और साथ ही में अम्बेडकराइट्स ने सोशल मीडिया पर जो दबाव डाला उसकी वजह से हुई। अब युविका चौधरी और मुनमुन दत्ता पर तो हाल ही में हुई है, पास्ट में आपको बता दें सलमान खान, शिल्पा शेट्टी और युवराज सिंह पर भी हो चुकी है, पर अभी तक किसी को जेल नहीं हुई है। यही लगता है सवर्ण प्रिविलेज की ताकत है, सेलिब्रिटी सवर्ण प्रिविलेज की वो भी खासकर ताकत है। अब हरियाणा पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस युविका चौधरी के खिलाफ एक दलित अधिकार कार्यकर्ता की शिकायत पर SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया है, जिसमें सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कथित तौर पर जातिवादी गाली का इस्तेमाल किया गया था। देखिए ये वीडियो। ये देखिए, हमेशा व्लॉग जब भी मैं बनाती हूँ, मैं क्यों हमेशा भंगियों की तरह खड़ी हो जाती हूँ आके? मुझे इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं अपने आप को ढंग से दिखा सकूं। आई एम डूइंग सो बैड एंड ही इज नॉट गिविंग मी टाइम टू मेक व्लॉग। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल की एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता के खिलाफ केस मुंबई पुलिस ने दर्ज किया सोशल मीडिया पर वीडियो में जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने के लिए। ये देखिए इनका वीडियो की तरह लगा दिए, बिकॉज मैं यूट्यूब में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। सो या दैट्स अबाउट इट, चलो चलो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को अभी। 2017 में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी ने रियलिटी टीवी शो बिग बॉस पर फिल्म टाइगर जिंदा है के प्रचार के दौरान वाल्मीकि समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अपने नाचने की कला और घर में दिखने को इन स्टार्स ने एक जाति के नाम से जोड़ा था। खान के खिलाफ दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मुंबई जैसे 6 राज्यों में FIR दर्ज की गई थी। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें वीडियो नहीं मिली, इन दोनों स्टार्स की वीडियो हम नहीं ढूंढ पाए, पर आपको बता दें कि सलमान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने अपने सवर्ण भाई की मदद करते हुए इन सारे FIRs पर स्टे लगा दिया था। पिछले साल पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने भारतीय उपकप्तान रोहित शर्मा के साथ एक इंस्टाग्राम लाइव के दौरान युजवेंद्र चहल के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की थी। वकील रजत कलसन की शिकायत के बाद हरियाणा पुलिस ने सिंह के खिलाफ IPC और SC/ST अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत FIR दर्ज करी थी। देखिए युवराज का वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया, अरेस्ट किसी का नहीं हुआ, किसी को जेल की हवा नहीं खानी पड़ी है अभी तक। तो अब आपको बता दें, सोनाक्षी सिन्हा भी जो है वो जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने के लिए विवाद में रही हैं, पर उन पर FIR नहीं हुई थी, उन्होंने केवल माफी मांग ली थी। पर इन सबको वाल्मीकि समाज के प्रोटेस्ट करने से, अम्बेडकराइट्स के सोशल मीडिया पर इन सबको वायरल करने से दबाव में आकर माफ़ी ज़रूर मांगनी पड़ी थी, और इन सब सुपरस्टार्स की जो अपॉलोजी या माफ़ीनामा था वो काफ़ी रोमांचक है। युवराज सिंह ने कहा, मैंने अनजाने में बोल दिया। युविका चौधरी ने कहा कि उन्हें शब्द का मतलब नहीं पता था। 13 साल हिंदी टीवी शो में काम करने के बाद, 13 साल हिंदी टीवी शो में, मुनमुन दत्ता कह रही हैं उन्हें हिंदी नहीं आती। शिल्पा शेट्टी ने भी कहा कि मेरा इरादा नहीं था, मुझे गर्व है कि इस देश में विभिन्न जातियां हैं, इसमें क्या गर्व की बात है शिल्पा शेट्टी। और टाइगर भाई, हमारे टाइगर भाई ने तो माफ़ी मांगी ही नहीं। इतने बड़े होने के बावजूद, पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद, ये दिखाता है कि सवर्ण समाज के बारे में ये जो लोग हैं सवर्ण समाज के, वो सीखते नहीं हैं, ना ज्ञान है ना कोई आत्मनिरीक्षण है जाति के बारे में। हमें लगता है खासकर इन सवर्ण सेलिब्रिटीज़ के लिए स्पेशल स्कूल हों, कॉलेजेस हों, जहाँ पर इन्हें जाति और जातिवाद के बारे में ज़रूर पढ़ाया जाए। आप इस वीडियो को, इस जानकारी को, हम पास्ट का पूरा एनालिसिस जो विश्लेषण लाए हैं, सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आजकल काफ़ी सक्रिय रहते हैं। जय भीम।